हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैंने आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनके एग्जाम कोविड-19 पैनडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गए थे और अब सीबीएसई उन एग्जाम को जुलाई में कराने का निर्णय ले चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सीबीएसई उन एग्जाम को जुलाई में कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कोविड की जो प्रॉब्लम है वो डे टू डे बढ़ती जा रही है और अब हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट कोविड अफेक्टेड पेशेंट में से एक है। दूसरा, अगर हम मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो उनका ये मानना है कि जुलाई में जो कोविड की प्रॉब्लम है वो अपने पीक पे होगी। हम देखते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये जो सिटीज हैं यहाँ पर जो कोविड की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और डे टू डे इसके पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो जुलाई में अपने एग्जाम को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो उन स्टूडेंट्स को फेस हो रहा है जिनने एग्जाम देने हैं और साथ ही वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। साथ ही मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की है कि सीबीएसई उन एग्जाम को कैंसिल कर दे। मैं आपको एचआरडी मिनिस्टर जी का एक आपको ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एग्जाम जो स्टूडेंट जहाँ पर हैं वो वहीं पर दे दें, मीन जो स्टूडेंट जिस स्टेज में है वहीं पर दे दें। ये देखिए, मैं आपको ये ट्वीट दिखा रहा हूँ जिसमें एचआर मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्टूडेंट जहाँ पर हैं वहीं पर अपने एग्जाम देंगे जिस स्टेज पर हैं। लेकिन इसके बिहार पर बहुत सारे स्टूडेंट ने रिट्वीट किया है कि सर हम एग्जाम देने की पोजीशन में नहीं हैं और आप इन एग्जाम्स को कैंसिल कीजिए। ये देखिए, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ द ट्वीट आए हैं स्टूडेंट्स के जो कहते हैं कि हम एग्जाम को नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम इस सिचुएशन में अभी नहीं है कि हम एग्जाम को दे पाए। दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो है वो अभी कोविड पेशेंट्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सीबीएसई उन एग्जाम को कंडक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री का, वो भी अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर चुका है और वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, तो क्या सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो भी अपने एग्जाम को कैंसिल कर दे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपने एग्जाम को कैंसिल कर चुका है और वो 50% मार्क्स जो अपने स्टूडेंट को हैं वो प्रीवियस बेस पे दे रहे हैं प्लस 50% वो असाइनमेंट पे दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सीबीएसई को भी अपने जो बचे हुए एग्जाम हैं उसको कैंसिल कर देना चाहिए और क्लियरली करना चाहिए कि भाई अब बचे एग्जाम हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट भी अब पढ़ाई के टेस्ट में नहीं है, एक बहुत लंबा पीरियड निकल गया है, वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है कि अब अपने एग्जाम की तैयारी करें या अपने किसी भी जो प्रिपरेशन करना है उनको आपके 12th के बाद जो उन्हें एक कंपटीशन एग्जाम फेस करने है उसकी तैयारी करें, जो डबल माइंडेड है। तो सीबीएसई को क्लियर करना चाहिए कि भाई अब बचे हुए एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे और उन एग्जाम्स को जो नहीं है उन एग्जाम को वो एक एवरेज मार्क्स अपने स्टूडेंट को दे दें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम तो सीबीएसई ऑलरेडी ले चुका है। उन एग्जाम्स के बेस पे बचे हुए एग्जाम्स को स्टूडेंट्स को मार्क्स दे दिए जाए, प्लस इंटरनल भी एग्जाम होते रहते हैं उसके बेस पर भी अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम दे दिए जाए जिससे कि जो रिजल्ट है वो डिले नहीं हो। तो मेरा ये एक सुझाव है सीबीएसई को कि वो बचे हुए एग्जाम्स को अभी जल्दी जल्दी कैंसिल कर दे और इसके लिए वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करे जिससे कि स्टूडेंट्स भी क्लियर हो जाए, उनके वो डबल माइंडेड नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है। आपका इसके बारे में क्या सुझाव है? अगर आपको ये लगता है कि सीबीएसई को एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल माइंडेड ना रहे हैं, वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनके बच्चों का एग्जाम कब होंगे, वो फ्यूचर का क्या होगा, वो कब अपने एग्जाम देंगे और कब वो अब 12th के बाद जो उन्हें अपनी हायर स्टडी के लिए जाना है उसके लिए वो तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत तेज से निकल रहा है, स्टूडेंट एग्जाम के टेस्ट में नहीं है, पढ़ाई के टेस्ट में बिल्कुल नहीं है, टीचरों के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसे केसेस में सीबीएसई को इसके बारे में क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि जुलाई में मेरा ये मानना है कि जुलाई में एग्जाम होना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपको भी यह लगता है कि सीबीएसई को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मेरा मानना है कि अधिकतम जो स्टूडेंट्स हैं वो मीन्स अधिकतम क्या ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए और उनके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल बेस पे दे दिए जाने चाहिए।
तो आप इस बारे में अपने सुझाव प्लीज दीजिए मुझे, कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको ये कितना सही लगता है और सीबीएसई को इस बारे में डिक्लेरेशन कर देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज इसको लाइक जरूर करें और इसको मैक्सिमम सर्कुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।